नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है, सॉल्व द गिवन इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। मीन्स आपको ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, इन्हें क्या करना है, आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। मीन्स ये दोनों इक्वेशन आपको ग्राफ पर प्लॉट करनी है एंड देन आपको वर्टिसेस फाइंड आउट करनी है एंड एरिया फाइंड आउट करना है। किसका? ट्रायंगल का। फॉर्म बाय दिस लाइन्स मीन्स जो कि इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से बनता है, राइट? सो यानी कि ये दोनों लाइन हमें ग्राफ पर प्लॉट करनी है पहले, देन वो जो हो गई दोनों लाइन वो एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनाएगी, देन हमें उसका एरिया और वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। सो वो चीज़ें हम लास्ट में ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बोर्ड पर क्या कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, देन हम ग्राफ पेपर की ओर मूव करेंगे, राइट? सो आइए, आपको फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप देख रहे हैं y का कॉफिशेंट 2 है, x का कॉफिशेंट 1 है, यानी कि इक्वेशन को किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर y को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं x के टर्म में। सो आपका 2y अगर हम राइट साइड ले जाते हैं, दैट मीन्स x प्लस 2 अपॉन 2, राइट? नाउ कोऑर्डिनेट्स वैल्यू ड्रॉ करनी है तो एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर अपनी एक्स वाई, राइट? नाउ x इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे तो y इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अपॉन 2, इट मीन्स 3 अपॉन 2, इट मीन्स 1.5। सो x इक्वल्स टू 1 रखा तो y इक्वल्स टू 1.5 आ गया, राइट? x इक्वल्स टू 2 पुट किया तो y इक्वल्स टू 2 प्लस 2 अपॉन 2, इट मीन्स 4 अपॉन 2, इट मीन्स 2 आ गया। सो x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू आपने 3 रखा तो y इक्वल्स टू 3 प्लस 2 अपॉन 2, दैट मीन्स 5 अपॉन 2, इट मीन्स 2.5। सो x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू 2.5। नेगेटिव वैल्यूज भी रख के देख लेते हैं भाई, जैसे जैसे x की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं ऐसे ऐसे हमारी y की भी इंक्रीज होती जा रही है। सो x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करके देख लेते हैं तो माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2, इट मीन्स 1 अपॉन 2, इट मीन्स 0.5। सो x की वैल्यू हमने माइनस 1 पुट की तो y की वैल्यू हमारी 0.5 आ गई, ओके? नो प्रॉब्लम। नाउ गाइस, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। आप माइनस 2 भी रख सकते हो x की जगह पर, ठीक है? तो आपकी उससे भी कोई वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ हम अपनी सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 के लिए कर लेते हैं, इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं y को इन द टर्म ऑफ x, तो माइनस 2x प्लस 6 की फॉर्म में आ जाएगा। नाउ टेबल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, x, y, क्लियर है इतना कंसेप्ट? हमने y को एक्सप्रेस कर लिया इन द टर्म ऑफ x, सो ये इक्वेशन आ गई। नाउ x की वैल्यू पुट करते हैं, 1 पुट किया तो y इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 1 प्लस 6, इट मीन्स 4। सो x इक्वल्स टू 1 रखा तो y इक्वल्स टू आपका कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है? सो x इक्वल्स टू 2 रखा तो y इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 2 प्लस 6, दैट मीन्स माइनस 2 यानी कि माइनस 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है? नाउ x इक्वल्स टू हम 3 रख देते हैं तो y इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू माइनस 2 इंटू 3 प्लस 6, तो आपका आ जाएगा माइनस 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स टू आपका कितना आ गया, 0 आ गया। अब भाई सारी वैल्यूज़ हम लोग पॉजिटिव रखते जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं y की वैल्यू नेगेटिव हो रही है वैसे तो, अब हम x की वैल्यू क्या रख दें, नेगेटिव भी रख के देख लेते हैं। x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट कर लेते हैं तो y इक्वल्स टू x की वैल्यू जैसे ही हमने माइनस 1 पुट की, 2 इंटू माइनस 1 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस, यानी कि x की वैल्यू y की वैल्यू आ गई आपकी 8, तो x की वैल्यू माइनस 1 तो y की वैल्यू आपकी 8 आ गई। गाइज ये आपकी थोड़ा ग्रेटर वैल्यू हो जाती है, वैसे तो हमें इसे रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस टाइप से अगर वैल्यूज़ आए तो आप उसको कोशिश करें कि अवॉइड करें, ठीक है? तो आप x इक्वल्स टू 4 रख लीजिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज x इक्वल्स टू 4 रख लीजिए तो y इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 4 प्लस 6, दैट मीन्स माइनस 8 प्लस 6, इट मीन्स माइनस 2। तो y इक्वल्स टू 4 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x इक्वल्स टू 4 रखा तो y इक्वल्स टू हमारी आ जाती है माइनस 2। सो हमारी ये थोड़ी ग्रेटर वैल्यू हो गई, इसलिए हम इस वैल्यू को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि ग्राफ पेपर पर आपकी लाइन थोड़ी ऊपर चली जाएगी वैल्यूज़, ठीक है? तो ये आपके चॉइस है, आप रखना चाहें तो माइनस 1 8 भी रख सकते हैं, अदरवाइज 4 कॉमा माइनस 2 भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर 4 कॉमा माइनस 2 पुट कर देते हैं, 4, और यहाँ पर रख देते हैं माइनस 2।
ठीक है, तो आप ये वाला पॉइंट भी ड्रॉ करके देख लीजिएगा, लाइन तो वही आएगी, लाइन तो वही जाएगी आपकी, बट हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि आपकी छोटी स्मॉल वैल्यूज़ ही वहाँ पर ग्राफ पेपर पर हो जाए, राइट। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। सो अब हम इन्हें क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे एंड देन हम लोग अपना क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। सो आइए ग्राफ पेपर का मूव करते हैं एंड अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज योर ग्राफ पेपर एंड दीज आर लाइन्स, दीज आर इक्वेशंस जिसके आपने कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज फाइंड आउट की थी एंड आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर प्लॉट करनी है फर्स्टली। सो दिस इज योर एक्स एक्सिस एक्स ओ डैश, दिस इज योर वाई एक्सिस वाई ओ एंड वाई डैश, राइट। सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ये डार्क लाइन आप नजर आ रही है तो एक बॉक्स होता है, इसे हम वन यूनिट का मान लेते हैं। सो दिस इज योर वन यूनिट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, राइट। एंड आपको मालूम है इस साइड में किस में होती है एक्स एक्सिस पर लाइन, नेगेटिव वैल्यूज़ होती है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स एंड माइनस सेवन। वाई एक्सिस पर अपवर्ड डायरेक्शन में लाइन किस में होती है वैल्यूज़, पॉजिटिव में होती है, राइट। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर ली, सेवन तक हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेटर वैल्यूज़ हमारी नहीं है। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में किस लिए होती है, किसकी होती है, माइनस में। सो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स एंड माइनस सेवन। सो ये हमने यहाँ पर लाइन को मेंशन कर लिया है। नाउ फर्स्ट लाइन जो है इसकी कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज़ क्या है, एक्स एक्सिस पर वन, सो वाई एक्सिस पर 1.5, दैट मीन्स 1.5, सो दिस इज़ योर 1.5, राइट। ये अलग से हल्की सी डार्क लाइन आपको नजर आ रही है ना गाइस, सो दिस इज़ योर 1.5। नाउ एक्स एक्सिस पर 2, सो वाई एक्सिस पर भी 2 लीजिए, हमने ये भी आपका ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस पर 2 तो वाई एक्सिस पर भी 2। नाउ एक्स एक्सिस पर 3 तो वाई एक्सिस पर 2.5, सो एक्स एक्सिस पर 3 वाई एक्सिस पर 2.5, इट मीन्स दिस इज़ योर पॉइंट, लीजिए। नाउ एक्स एक्सिस पर माइनस वन, सो वाई एक्सिस पर 0.5, सो दिस इज़ योर फोर्थ पॉइंट, राइट। सो हमें ये फोर्थ पॉइंट यहाँ पर मिल गए हैं। नाउ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, सो हम यहाँ पर पॉइंट से लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये आपका फोर्थ, राइट। सो अब हम अपने पॉइंट से लाइन को ड्रॉ करेंगे, अच्छे से ध्यान रखना डॉट्स आपके अच्छे से लाइन से मिल रहे हो, जिससे कि आपकी लाइन रॉन्ग ना हो जाए। सो हम यहाँ पर लाइन को अच्छे से ड्रॉ कर ले रहे हैं, सो दिस इज योर लाइन, राइट। सो आपने अपनी ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली है, सो दिस लाइन इज योर एक्स माइनस टू वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, राइट। दिस कोऑर्डिनेट्स वैल्यू आपके क्या थे, माइनस वन कोमा 0.5। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज़ क्या थे, 1, 1.5, इस कोऑर्डिनेट के 2, 2 एंड इसके कितने थे, 3, 2.5, राइट। दीज आर द कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ ऑफ दिस लाइन, राइट। नाउ सेकेंड लाइन, 1, 4, एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर 4, दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट, एक्स एक्सिस पर 2, सो वाई एक्सिस पर भी 2 लीजिए, भाई आप भी यही आ गए। नाउ एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 0, सो थर्ड पॉइंट, एक्स एक्सिस पर 4, तो वाई एक्सिस पर माइनस 2, राइट। सो दिस इज़ योर फोर्थ पॉइंट। सो हमें अपने 4 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, 1 पॉइंट आपका ये था, सेकेंड ये था, थर्ड ये था आपका एंड फोर्थ ये था। सो हम इससे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर गाइस, 1, 2, ठीक है, सही से आप इनको पहले अच्छे से मिला लीजिए। नाउ 4, नाउ गाइस इसे अच्छे से हम लोग मिला लेते हैं, 1, 2, 3, 4, ओके। नाउ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पर, सो हमने ये लाइन आपकी ड्रॉ कर दी है, सो दिस इज़ योर सेकेंड लाइन, 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो नाउ कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देते हैं, 1, 4, 2, 2 यही था, यहाँ पर 3, 0 एंड यहाँ पर 4, -2। नाउ
एक काम तो आपने गाइज यहाँ पर कर दिया कि जो अपनी दोनों लाइन थी इन्हें ग्राफिकली आपने ड्रॉ कर दिया, राइट। सो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ग्राफिकली, मीन्स ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। मीन्स आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, एक तो ये और एक ये, यही दोनों नजर आ रहे हैं ना। सो ये दोनों लाइन ये एक ट्रायंगल बना रही है वाई एक्सिस के साथ, एक ट्रायंगल बन रहा है जहां पर ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस है। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना रही है उसका एरिया एंड वर्टिसेस। सो दैट मींस हमें इसका फाइंड आउट नहीं करना क्योंकि ये दोनों लाइन ही वाई एक्सिस का ट्रायंगल बना रही है, हमें एरिया किसका फाइंड आउट करना है, इस ट्रायंगल का, ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल आपका बना रही है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, फर्स्टली इसके हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस। तो एक वर्टिसेस ये था आपका ए, एक वर्टिस आपका ये था बी एंड एक वर्टिस आपका ये था सी, राइट। सो हमने ए बी सी यहाँ पे नेम मेंशन कर दिए हैं। नाउ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सो ए पॉइंट के वर्टिस वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर गाइज, एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर भी 2 लीजिए। नाउ बी पॉइंट की वर्टिसेस वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस पर आपके -2 एंड वाई एक्सिस पर 0, राइट। सी एक्सिस की वर्टिसेस वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस पर 3 एंड वाई एक्सिस पर क्या हो गई गाइस आपकी 0 हो गई, राइट। सो ये तो हो गए हमारे क्या वर्टिसेस वैल्यू, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्टली आपको मालूम होगा, अच्छे से आप जानते हैं, सभी स्टूडेंट जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया, यहाँ पे तो ए बी सी है, सो किसी भी ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ना हमारा फॉर्मूला, राइट। सो इस ट्रायंगल का बेस क्या है, ये है, हाइट क्या है, ये है आपकी। सो यहाँ पर बेस वैल्यू क्या है आपकी, बी सी, ठीक है। सो इस ओरिजिन से राइट साइड में डिस्टेंस कितनी है, सी पॉइंट तक की 3 है एंड इस ओरिजिन से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 है। तो 3+2 कितना हो गया, 5 हो गया। सो ये ध्यान रखना, इसे पहले भी क्वेश्चन में मैंने बताया था, आप इसे -2 एंड इसे +3 करके +1 मत कर दीजिएगा डिस्टेंस गाइस, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। सो अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होती है, तो इसलिए हम ये 2 यूनिट डिस्टेंस है, ये 3 यूनिट डिस्टेंस, दैट मीन्स टोटल हो जाएगी 5 यूनिट की डिस्टेंस आपकी, राइट। और ये होती है हमारी हाइट, तो ये हाइट कितनी नजर आ रही है, आप देख रहे हैं वाई एक्सिस पे, ये हाइट है हमारी 2, तो यहाँ से एक्स एक्सिस ये डिस्टेंस देख भी सकते हैं, ये क्या होती है वाई एक्सिस की डिस्टेंस होती है, तो ये कितनी है 2, वाई कोऑर्डिनेट्स वैल्यू से भी मालूम हो गए, 2.2 कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज है, तो जो वाई एक्सिस की कोऑर्डिनेट वैल्यू है वही हाइट होगी, तो ये कितनी है 2, दैट मीन्स हाइट क्या हो गई हमारी यहाँ पर 2 यूनिट हो गई, राइट। नाउ वैल्यू पुट कर दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 बेस 5 एंड हाइट कितनी है गाइज आपकी 2 है, राइट। नाउ 2 × 1 = 2, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया 5, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल आ गया 5, यूनिट किस में होगी, स्क्वायर यूनिट्स में, जैसे कि आप जानते हैं एरिया का स्क्वायर, एरिया किस में आता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट होता है उसका स्क्वायर के फॉर्म में आता है क्योंकि बेस इनटू हाइट, तो इसका यूनिट दोनों का मल्टीपल होगा तो स्क्वायर यूनिट्स हो जाता है, ठीक है। तो ये लिखना मस्ट है, अदरवाइज हो सकता है आपका मार्क्स कट हो जाए, सो इसलिए ये ध्यान रखना यूनिट्स लिखना जरूरी है क्योंकि एरिया जो होता है हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, हमें क्योंकि इक्वेशन दी थी कोई स्क्वायर, कोई हमें यूनिट तो दी नहीं थी, तो इसलिए गाइज हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर यूनिट्स में इसको लिख दिया है। सो ये आपको क्लियर हो गया कि हमने ये पॉइंट्स यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ कर लिए, देन एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया एंड वर्टिसेस फाइंड आउट कर लिए, यही आपसे गाइस पूछे थे। ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर लिख देंगे राइट साइड में अपने नोटबुक के, मैंने आपको यही पर मेंशन करके दिखा दिया है। सो अगर आपको अच्छे समझ आ गया सो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए इसमें मुझे समझ आ गया, ओके। एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा एंड सभी सॉल्यूशंस अब आपके सॉल्व होने वाले हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, कम्युनिटी चैनल पर एमसीक्यूज क्वेश्चन भी करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।